गुड मॉर्निंग क्लास, मैं प्रिंस प्रजापति आपके परिवार विद्यार्थी क्लासेस प्रतापपुर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में आपके मैथ के टीचर विशाल सर मौजूद हैं और वो आज आपको मैथ पढ़ाएंगे। आपकी आज पहला लेक्चर मैथ का होगा विद्यार्थी क्लासेस प्रतापपुर। सर नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विशाल कुमार आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स में मेरा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसमें मैं पहले आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा साधारण ब्याज के। फॉर्मूले करने से पहले मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल थॉट लेकर आया हूं। दोस्तों, सपने आपके हैं तो पूरे भी आप ही करोगे। सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही करोगे। न हालात आपके हिसाब से होंगे न ही लोग। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। भाई ये हमारा पहला फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट। चलो बच्चों अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक था हमारा भाई सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम लिख देंगे SI। ये लिखेंगे हम SI। हिंदी में बोलते हैं हम इसे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। इसमें मैं पहले आपको कुछ फॉर्मूले कराऊंगा। पहले तो फॉर्मूले हैं हमारे, पहला फॉर्मूला हमारा है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। भाई ये हमारा पहला फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। और बाकी हम तीन चार फॉर्मूले हम यहीं से बना सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। इस एक फॉर्मूले से P बराबर हमारा प्रिंसिपल है यहां पर, प्रिंसिपल जिसको हम बोल देंगे मूलधन या राशि या रुपए। आर है हमारा रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी है हमारा टाइम। इसके बाद जैसे हमें प्रिंसिपल निकालना है पी, तो उसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पी बराबर SI इंटू 100 अपॉन में। भाई देखो यहां पर चार चीजें हैं हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। ठीक है, तो अब देखो भाई प्रिंसिपल निकालना हमें, एक चीज हमारी ये आ गई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, दूसरी चीज हमारी ये आ गई यहां पर, बची क्या दो चीज आर इंटू टी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद हमारा तीसरा फॉर्मूला है, मान लिया हमें आर निकालना है आर, तो SI इंटू 100 हमारा ऐसी रहेगा, SI इंटू 100 हमारा ऐसी रहेगा। बाकी भाई दो, एक चीज ये रही, दो ये रही, दो चीज बची हमारी, क्या बचा प्रिंसिपल बचा हमारा और टाइम बचा। ये रेट का फॉर्मूला, ऐसे हम टाइम का निकाल लेंगे। पर टाइम बराबर SI इंटू 100, पर चार चीज चलेगा, चल रहे हैं शुरू में हम एक दो तीन चार, चार में से हर फॉर्मूले में मान लिया हमने टाइम निकालना, तो एक तो ये रहा हमारा, हर फॉर्मूले में एक फॉर्मूला लिखा हमने, यहां से हमारा SI इंटू 100 ऊपर जा रहा, SI 100 ऊपर जा रहा हमारा, ऐसे SI 100 इंटू यहाँ पे ऊपर जा रहा हमारा, तो बचा क्या हमारा यहाँ पे, देखो भाई SI ये आ गया हमारा, टाइम ये आ गया, बचा हमारा प्रिंसिपल इंटू आर। ये फॉर्मूले हमारे मेन फॉर्मूले जो है ये है। बाकी और फॉर्मूले हैं, लिखते हैं उन्हें भी।
जैसे हमें एक फॉर्मूला होता हमारा ए बराबर पी प्लस एस आई, ये है इसे हम बोल देंगे इंग्लिश में अमाउंट, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता हमारा पी प्लस एस आई। पी तुम्हें पता ही है प्रिंसिपल है, ये तुम्हें पता साधारण ब्याज है, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला होगा हमारा ए का ही मिश्रधन का, ए बराबर पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड दी पावर एन, ए बराबर पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड दी पावर एन, जिसमें आपको कोई एक दो तीन चार चीज दे रखी है, चार में से कोई तीन चीज तुम्हें गिवन होगी, यहाँ पे प्रिंसिपल रेट टाइम दे रखो तो यहाँ में हमें मिश्रधन निकाल लेंगे, या चारों में से कोई तीन चीज देगा और एक चीज हमें निकालनी होगी वो हम निकाल सकते हैं, चाहे रेट निकलवाए चाहे टाइम निकलवाए चाहे प्रिंसिपल चाहे मिश्रधन, ये यहाँ से निकाल सकते हैं। और देखो प्रिंसिपल निकालने के लिए, या इस पे आ जाओ रेट के पे, रेट निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है एस आई अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला तुम्हारा जब काम करेगा जब हमारा प्रिंसिपल हंड्रेड दो, जब प्रिंसिपल हंड्रेड दो, जब पी हंड्रेड हो, जब पी हंड्रेड हो तब ये काम करेगा। ऐसे ही भाई हमें टाइम निकालना है टाइम, तो टाइम बराबर एस आई बटे आर, ये वाले फॉर्मूले तब काम करेंगे जब प्रिंसिपल हंड्रेड हो, जब प्रिंसिपल हंड्रेड हो, ये वाले फॉर्मूले तब काम करेंगे, ये हो गया। और एक और प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला बताता हूं मैं तुम्हें, भाई मिश्रधन दे रखा होगा यहां पे, यहां बता देते हैं, चलो सर अब कर लेता हूं मैं, प्रिंसिपल निकालने का एक फॉर्मूला आया तुम्हारा कि ए में से एस आई घटा दो, यानी ए तो तुम्हें पता भाई मिश्रधन होगा, यानी कि मिश्रधन अमाउंट में से ब्याज घटा दो तो तुम्हारा प्रिंसिपल निकलेगा, ये हमारे फॉर्मूले थे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्वेश्चन करेंगे जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा 988 की राशि पर, 988 की राशि पर, 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर पर, 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, कितना साधारण ब्याज होगा। देखो भाई क्या पूछ रहा है इसमें, साधारण ब्याज पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज, हमें पहले ये देखना होता है पूछ क्या रहा है, पूरे क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो पहले, और ये देखो पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है साधारण ब्याज यानी कि एसआई पूछ रहा, और एसआई का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता रखा है, एसआई बराबर होता है तुम्हारा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड, जो कि मैं ये पहला करवा चुका हूं, जो कि ये पहले मैं करवा चुका हूं। तो देखो प्रिंसिपल भाई कितना दे रखा है इसमें 988, आर कितना दे रखा तुम्हें 18%, टाइम कितना दे रखा तुम्हें 5 इंटू हंड्रेड, ये जो 100 होता है ये परसेंट वाला ही होता है, ये जो 100 होता है ना ये परसेंट वाला ही होता है, ये परसेंट हटा के मैंने यहां लिख दिया। अब देखो 18 गुना 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 18 × 5 = 90, 0 से 0 काट दो, 9 की मल्टीप्लाई करो भाई इसमें, 9 × 8 = 72 हासिल लगे 7, 9 × 8 = 72 और 7 = 79 हासिल लगे 7, 9 × 81 और 7 = 88 बटे 10 भाई आ जाएगा तुम्हारा 889.2, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे सिर्फ कर देता हूं, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम भाई, दूसरा क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, क्वेश्चन कह रहा है भाई साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से रुपए 600 का,
रुपए 600 का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 होगा। भाई वही क्वेश्चन में पहले हमें यह देखना भाई पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा है साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से, क्वेश्चन कह रहा है भाई दर, इसका मतलब हमें निकालनी है दर। अब दर का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था भाई, आर बराबर एस आई ऊपर रहेगा इंटू 100, नीचे बाकी दो चीज बची तुम्हारी, चार चीज लेकर चला था मैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब देखो भाई आर निकालना, अब तुम्हें ये पता चाहिए एस आई कितना है, भाई एस आई कितना दे रखा तुम्हें, 120 दे रखा, ये रख दिया 100 ऐसी। अब देखो भाई प्रिंसिपल कितना दे रखा तुम्हें, प्रिंसिपल ये दे रखा रुपए 600, तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल होगा इंटू। अब भाई टाइम चाहिए, टाइम कितना दे रखा 10, ठीक है। अब देखो भाई 100 से काट लो, 100 छिका 600, 6 दुनी 12, 20 हो गया, 10 दुनी 20, ये आ गया हमारा 2% वार्षिक। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है हमारा वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर सात परसेंट वार्षिक दर से साधारण ब्याज शॉर्ट में लिख लो इसे, साधारण ब्याज रुपए 180 होगा जो चार वर्ष में होता है। भाई क्या निकालना, मैं धनराशि ज्ञात करनी है, धनराशि यानी प्रिंसिपल का फॉर्मूला, पी बराबर एस आई इंटू 100, यहाँ आ जाएगा रेट, यहाँ आ जाएगा टाइम। अब देखो भाई प्रिंसिपल कितना दे रखा मैं, 180 इंटू 100, रेट कितना दे रखा मैं 7, और टाइम कितना रखा 4। देखो इसे 7 से कट, ये कट नहीं रहा है हमारा, या तो हमारा पॉइंटों में आंसर आएगा, या तुम्हारी मर्जी है। इसे क्वेश्चन अगर मान लिया 180 की जगह हम क्या कर लें 280 कर लो, आसान हो जाएगा। अगर 280 करेंगे तो और आसान हो जाएगा, भाई मैंने कर लिया 280, बाकी पॉइंटों में आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं अगर हम 180 पर लेकर चले। अब देखो भाई 7 चौक 28, ये बनेगा हमारा 28, 28 से डिवाइड करेंगे कटेंगे से, 28 दाम 280, 10 गुना 100 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 1000, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 1500 का धन 6% वार्षिक दर से, 1500 का धन 6% वार्षिक दर से, 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है, 5 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है तो वर्ष के अंत में कितना मिश्रधन देना होगा, तो वर्ष के अंत में कितना मिश्रधन देना होगा, तो वर्ष के अंत में कितना मिश्रधन देना होगा
देखो मिश्र धन निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता था, ए बराबर पी प्लस एस आई, जिसमें पी हमें प्रिंसिपल दे रखा भाई 1500 तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एस आई चाहिए, इसे मैं बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा। अब एस आई निकालना है, एस आई का फॉर्मूला आपको पता है, एस आई बराबर प्रिंसिपल 1500, रेट फॉर्मूला तुम्हें पता ही है भाई, रेट दे रखा 6, टाइम कितना दे रखा 5 अपॉन 100, ये खत्म हो गया। 6 × 5 = 30 गुना 15, 30 × 15 ये हो जाएगा 450, यानी कि ऐसा ही निकला हमारे 450, उसे ऐड कर दो तो आंसर हो जाएगा, मैं दोनों को ऐड करके 1950, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो लिख लेता हूं सही से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 500 का कितने वर्ष में, रुपए 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा, कह रहा 150 हो जाएगा भाई, ये सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन को, कह रहा 5% वार्षिक ब्याज की दर से ₹500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा, भाई कह रहा कितने वर्ष में, यानी कि हमें निकालना भाई टाइम बराबर, तुम्हें पता है फॉर्मूला एस आई इंटू 100 प्रिंसिपल और आवार यहां आ जाएगा आर, ये हो जाएगा भाई, हमें एस आई दे रखा 150, ये लिख लो 150 इंटू 100 हमारा है ऐसे फॉर्मूले में, प्रिंसिपल कह रहा प्रिंसिपल दे रखा 500, प्रिंसिपल दे रखा 500, अब हमें चाहिए रेट दे रखा हमारा 5, 100 × 5 = 500, 5 × 3 = 15, 30 × 5 = 30, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 6। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ, आज जो हमारी क्लास चली है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, सर ने आपको पहले फॉर्मूले बताए उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराए, ऐसे ही सर डेली बाय डेली आपको साधारण ब्याज के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कराते चलेंगे, और आप भी अच्छे अच्छे अपने नोट्स बनाएं और इन्हें उनकी प्रैक्टिस करते चले, और जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी और यूपी पुलिस और आरपीएफ रेलवे सभी की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साधारण ब्याज, और सर जैसे ही साधारण ब्याज कंप्लीट होगा इससे अगला चैप्टर आपको बता दिया जाएगा। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट में बताना है, ठीक, और अगर कंटिन्यू करनी है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।